हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे इंडोर प्लांट जो आप अपने ड्राइंग रूम में या ऑफिस में कहीं भी रख सकते हो और बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड, जैसे हमारा क्रासुला का पौधा होता है, यही एक गोल्डन क्रांचू अंग्रेजी वाला होता है। यह पौधा आप अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हो, बगैर धूप के चल जाएगा। अगर आप इसे पौधे को धूप में रखते हो तो फूल तो इतना ही सुंदर आता है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हाइब्रिड प्लांट क्रांचू। यह पौधा क्रासुला की तरह अच्छा प्लांट होता है। जब भी आप इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाएं तो आपको जो लाइव स्ट्रीम में दिखा रहा हूँ इसमें रंग बिरंगे पत्थर ये ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे पौधा हमारा बहुत ही कम ख़राब होता है। अब इसकी ग्रो की बात करेंगे तो यह पौधा कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसकी जो पत्ती है वहाँ से कट कर दें, कट करने के बाद थोड़ी एक दो पत्ती हटा लें, फिर उसे मिट्टी में लगा दें और आपका पौधा एक हफ्ते के अंदर जड़ पकड़ लेगा और पौधा एक आपका नया बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, यह बुद्धा का गमला है, इसमें बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। अगर आप इस गमले को नर्सरी से लाते हैं तो आपको यह कम से कम 150 या 80 रुपये का मिलेगा, छोटा और बड़ा साइज। तो आपको अपने घर के अंदर एक बुद्धा वाले गमला में पौधा ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं इसमें खाद की, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो इसके अंदर आपको कोकोपीट डालनी चाहिए, फिर इसके अंदर समय समय पर गोबर की या बर्मी कम्पोज खाद डालनी चाहिए। इसमें कोई भी आपको केमिकल नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा इसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो यह पौधा हो जाएगा ख़राब। जब इस पर फंगस लगे तो इस पर किसी चीज़ का फंगस वाले कीड़े की दवाई मार सकते हैं और आपका पौधा कभी भी ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा। कहते हैं जैसे हम तुलसा जी का पौधा तुलसी वाले गमले में लगाते हैं, तो यह गमला बुद्धा वाला बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो आप भी फ्रेंड एक नर्सरी से ख़रीद के या कहीं भी शॉपिंग की दुकान पर हो तो अपने घर में एक पौधा बुद्धे का ज़रूर लगाना। अब बात करते हैं इसमें पानी देने की, तो इसमें समय समय पर पानी की मात्रा देनी चाहिए जब इसकी मिट्टी हल्की सी सूख जाए। जैसे हम क्रासुला के अंदर पानी देते हैं उसी प्रकार इसमें हल्का सा पानी पड़ता है। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा पानी देते हैं तो आपका पौधा ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और आप उसमें समय समय पर पानी देंगे तो आपका पौधा परमानेंट चलता रहेगा। जब भी यह आप पत्थर लगाओ तो आपको ध्यान रहे हरे पौधे में हरा पत्थर नहीं होना चाहिए। अब इसमें जब आप पानी का फुहारा मारेंगे तो इस प्रकार मारेंगे, क्योंकि हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं तो इस पर थोड़ी हल्की सी गर्द धूल जम जाती है और उससे हमारा पौधे की जो शो है वह हो जाएगी ख़राब। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।